बिस्मिल्लाह दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा में मुझे फॉलो कर दें। इनका इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाईजान आपको पता है कि इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जो कुत्तों वाली की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया पहले तो बगैरतियां कर रहा था कि जी ये अब वो है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि जो इंडिया ने उनके ऊपर डोमिनेट किया। एक न्यूज़पेपर है में ये बात आई है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और भाईजान शुएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में बाबर आजम को बोल दिया कि बाबर आजम कोई स्टार नहीं है, बाबर आजम कुछ भी नहीं है, बाबर आजम एक सेल्फिश टाइप का प्लेयर है, शुएब अख्तर ने इंटरव्यू में बोला। इस वजह से डिस्कस करेंगे। और गौतम गंभीर का आपको पता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के हवाले से कुछ अच्छी बातें नहीं आती। गौतम गंभीर ने कुछ स्टेटमेंट दिया विराट कोहली की कप्तानी को लेके, इवन अंदर उन्होंने थोड़ा सा रोहित शर्मा को भी जो है वो अंदर उस बात में एंटर किया, लेकिन उस बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया की। अब ऑस्ट्रेलिया वाले इतने को कहते हैं ना कि बगैरत हैं, अब उनके प्लेयर जाना शुरू हो गया। जिससे आपको पता है कि पैट कमिंस ने भी कोई बोला कि मेरा पर्सनल इशू है जिसकी वजह से मैं जो है वो सिडनी वापस जा रहा हूं, शायद तीसरे टेस्ट मैच से पहले वो है जो पैट कमिंस वापस आ जाएंगे। लेकिन पैट कमिंस के साथ जॉश हेजलवुड भी चले गए हैं, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने भी, जॉश हेजलवुड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कंप्लीटली तौर पर रूल्ड आउट कर दिए गए हैं, वो चले गए हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। देखो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया वाले अब पतली गली से निकलना शुरू करेंगे। अब बात सामने आई है कि डेविड वार्नर, जिनकी जो सिराज ने बाल मारी थी डेविड वार्नर को, डेविड वार्नर आपको बताया कि दूसरी इनिंग में बारी नहीं थे लेने आए, डेविड वार्नर भी दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो कि ऑस्ट्रेलिया वाले आहिस्ता आहिस्ता पतली गली से निकलने जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसी के साथ साथ एक बात कर दी, उन्होंने बोला कि इंडिया ने ट्रूली हमें हमारे ऊपर डोमिनेट किया और इंडिया को इंडिया में हराना वाकई मुश्किल बात है, इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा है, एक न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने पढ़ा और मैंने अभी ट्विटर के ऊपर लिखा भी। देखें ऑस्ट्रेलिया वालों की अगर बात की जाए, ये बड़े बगैरत के बच्चे हैं। ये भाईजान लास्ट ईयर बाबर आजम घंटे को तो हरा के चले गए, लेकिन जब बात आई है ना उस इंडिया की, तो भाईजान इनकी खुल के हाथ में आ गई है, क्योंकि असल टीम तो इंडिया है, जीतो इंडिया में सीरीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अपनी टीम को जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए या उनको ट्रोल करते हुए एक चीज बोली है कि आप लोग पाकिस्तान में तो जाकर जीत जाते हो, आप लोग इंग्लैंड में भी जीत जाते हो, आप लोग इंडिया में क्यों नहीं जीतते? तो इसका मतलब है आप बकवास बड़ी करते हो बैठ के। मैं ऑस्ट्रेलिया वालों को बोलता हूं कि जी कहते हैं जी हम लोग जिस तरह लोग बातें करते हैं कि इंडिया घर का शेर है, और भाईजान फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एशिया में जीता आके? ऑस्ट्रेलिया भी जीता करे ना एशिया में आके, बाबर को तो लास्ट ईयर रगड़ा डाल के गए हैं, तो फिर आप इंडिया में भी जीतो ना, जीत के दिखा दो एक मैच। उसके बाद शुएब अख्तर भाईजान बड़ा ऊपर से आए हैं बाबर आजम के, और बाबर आजम घंटे को उन्होंने बोल दिया कि बाबर आजम घंटा कोई स्टार नहीं है, कोई किस्म का स्टार नहीं है बाबर आजम। और बाबर आजम को स्टार बोलने वाले एक बार ये सुन लें कि दुनिया में एक स्टार है जिसका नाम है विराट कोहली, दुनिया में एक किंग है जिसका नाम है विराट कोहली, और जिसने बाबर आजम को किंग शिंग बोला ना, शुएब अख्तर साहब, ये जो पाकिस्तान के टट्टू उठारे हैं ना, जो पाकिस्तान के जो नस्ली टट्टू उठारे हैं, ये बाबर आजम को किंग बना के बैठे हुए हैं। मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूं जो बाबर आजम को किंग बना के बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान की टट्टी किस्म की अवाम बाबर आजम घंटे को विराट कोहली से कंपेयर करती है और कहती है बाबर आजम किंग है और विराट कोहली कुछ भी नहीं है। उनको मैं भी ये बताना चाहता हूं कि आपका अबू एक या वो पीछे विराट कोहली लगा हुआ है, ये घंटा है, ये घंटा है। और जो कि शुएब अख्तर ने भी बोल दिया कि घंटा हमेशा घंटा ही रहता है, उसको सिर्फ बजाया जाता है। सो आप भी मेरा इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी साथ दबा दीजिएगा। देखिए ये बाबर आजम की तो जो है वो बात वो शुएब अख्तर ने बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इस टाइम किसी किस्म का कोई स्टार नहीं बैठा हुआ, अंदर बाबर आजम भी आ जाता है। सो बात उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त किया है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि यार गौतम गंभीर ने आपको पता है कि दिल्ली में जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें गौतम गंभीर कमेंट्री भी कर रहे थे, तो मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर का स्टेटमेंट निकल गया जिसमें गौतम गंभीर ने यह बात बोली है कि विराट कोहली ने इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को असल जो है वो हाइप दी है, असल पहचान दी है। उन्होंने बोला कि विराट कोहली ने अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन, उसके बाद आप बात कर लो मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये इनको टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने बनाया। ये स्टेटमेंट दिया जो है वो गौतम गंभीर ने विराट कोहली के ऊपर। और एक और उन्होंने रोहित शर्मा और विराट की कप्तानी को लेकर भी एक बात की है कि रोहित शर्मा विराट की तरह कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, मतलब वो कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं लेके आए, वो विराट कोहली की कॉपी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन, ऐसा उन्होंने बोला जी गौतम गंभीर ने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, लेकिन अभी तक रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी की है विराट कोहली का, जिसका आपको पता है मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं खुद बोलता हूं कि मैं अपनी हर वीडियो में भी ये बात करके जा चुका हूं, मैंने अपने एक साल पहले ये बात कर दी थी
कि अगर टेस्ट क्रिकेट को किसी ने नाम दिया ना पूरे वर्ल्ड में, किसी ने ये दुनिया को बात बताई है ना कि टेस्ट क्रिकेट ड्रा करने के लिए नहीं खेली जाती, टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए खेली जाती है, तो वो एक ही बंदे ने दिया है जिसका नाम है विराट किंग कोहली। और 2014 में उसने ये बात की थी, मैं टेस्ट क्रिकेट को ड्रा करने के लिए नहीं खेलता, मैं टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए खेलता हूं। जो इंग्लैंड आज कर रहा है वो विराट कोहली 2014 में बोल गया था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत हर एक इंस्टा मुझे फॉलो कर लें और घंटा वो लगा हुआ उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।